साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल और शहबाज मुलाकात खुशाइंद है, शफाफ इंतखाबात मुल्की तरक्की के ज़ामिन है। सदरती निज़ाम न पहले कामयाब हुआ न अब होगा। सुबह का NFC अवार्ड में ज़्यादा ऐसा मिल रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध को तारीखी रकम मिली है। बल्दियाती निज़ाम में इन इदारों को इख्तियारात और वसाइल भी मिलना चाहिए। हैदराबाद को भी कोमास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है। सिंध में पानी का मसला नहीं, मनसूबा बंदी का फुकदान है। कोयला से बिजली पैदा करने से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुदरती गैस का निज़ाम सूबों को दे देना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं के साथ इजलास के बाद कासिमाबाद में लीगी रहनुमा अनवर सुमरो की रिहाइश गाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुफ्ता इस्माइल, MPA खेलदास कोहिस्तानी, सरदार अनवर सुमरो, रमेश गुप्ता, अकबर सुमरो, जिले सदर कलीम शेख व दीगर भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में आइन व कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुल्क को सदारती निज़ाम की नहीं पार्लिमानी निज़ाम को शफाफ बनाने की ज़रूरत है। किसी मुदाखलत के बगैर मुल्क में इंतखाबात मुनसिफाना व शफाफ हों तो जो हुकूमत भी आएगी वो खुलकर काम करेगी। मुल्क के मसाइल अवामी नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड में अब सूबों को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है। 18वीं तरमीम के बाद तो सिंध को तारीखी रकम मिली है, लेकिन यहाँ तरक्याती कामों का फुकदान है। सूबों को निचली सतह तक जितने वसाइल मिलेंगे उतनी ही तरक्की की राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि तरक्की व खुशहाली हैदराबाद की आवाम का भी हक है। यहाँ भी तरक्याती काम होने चाहिए। हैदराबाद को भी मास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलक कैरी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।